नमस्कार, गिप न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अन्ना भाऊ साठे की 103वीं जयंती, संविधान जागरूकता प्रतिभा पुरस्कार और उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया गया। हमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल ने हमनाबाद से चितगुप्पा सहित अन्य ग्रामों के लिए एक नई बस के संचालन को अनुमति दी। सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम शिव कुमार 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस विधायकों के साथ 3 दिवसीय मैराथन बैठकें शुरू करेंगे। कांग्रेस आरोप साबित कर दे तो संन्यास ले लूंगा, प्रहलाद जोशी का दावा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने पूछा है कि एचडी कुमारस्वामी हवा में तीर क्यों चलाए। संसद सदस्यता बहाल होते ही एक्टिव हुए राहुल गांधी, कल लोकसभा में बोलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया दिल्ली सेवा बिल, विधेयक पर चर्चा शुरू। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। हमारे भारत के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। संविधान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक भारतीय को अपने व्यक्तित्व की चिंता होनी चाहिए। देश की प्रगति के लिए समृद्धि, सुरक्षा, निष्ठा और समानता होनी चाहिए, तभी समाज की प्रगति और समानता हासिल होने की बात केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा ने कही। वे आज बीदर शहर के सरकारी कर्मचारी सामुदायिक भवन में साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे सांस्कृतिक और साहित्यिक लोकमंच ट्रस्ट और कर्नाटक राज्य द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अन्नाभाऊ साठे संविधान जागरूकता प्रतिभा पुरस्कार के 103वें वर्षगांठ में उपस्थित रहकर उपलब्धि हासिल करने वालों के सम्मान कार्यक्रम में बोल रहे थे। स्कूली बच्चों को नैतिक रूप से कार्य करके समतावादी समाज का निर्माण करना सिखाया जाना चाहिए। महात्मा की जयंती के साथ साथ समर्थकों, नैतिक राजनेताओं, जननेताओं और विचारकों को उनके सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह गलत है कि संविधान केवल दलितों की रक्षा करता है, उन्होंने इसका महत्व समझाया। ये सभी भारतीय हैं। इस मौके पर मदिगा समाज कर्मचारियों ने मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग भी रखी। इस अवसर पर विधायक सहित अन्य नेता आदि उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल ने हमनाबाद से चितगुप्पा सहित अन्य ग्रामों के लिए एक नई बस के संचालन को चालना दी। पाटिल ने बस की पूजा आदि कर बस को चालना दी। इस मौके पर विधायक ने कहा कि नई बस चलाने की सुविधा है और यात्रियों और जनता को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर डिपो मैनेजर अन्नप्पा किन्नी सहित अन्य विभागीय कर्मी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और औराद प्रत्याशी रहे डॉक्टर भीमसेन राव शिंदे ने कहा कि उन्होंने तालुके बड़ाल गांव, सुंधल, चिंतकी, एकलार ग्राम पंचायतों का दौरा किया और नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अभिनंदन किया। उन्होंने सुझाव दिए कि प्रतिनिधि गांव के विकास के साथ साथ सरकार की योजनाओं को गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार सामाजिक न्याय के लिए सभी जाति, नस्ल और धर्म के लोगों को एक साथ लाने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई गारंटी योजना को अभूतपूर्व जन समर्थन इस बात का अच्छा उदाहरण है कि सरकार जनहितेशी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं ने जो प्यार दिखाया है उसका बदला चुकाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएंगे। मतदाताओं को सीधे मुझसे मिलना चाहिए और मुद्दों को मेरे संज्ञान में लाना चाहिए और समस्या के समाधान में मदद करनी चाहिए। इस मौके पर नेता आदि उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के द्वारा बीदर रेलवे को कई विकास कार्यों, नई ट्रेनों आदि जैसी सुविधाएं मिल रही है। इसके अलावा रेलवे विभाग ने अंतिम स्थान सर्वेक्षण करने की अनुमति भी दे दी है। विकाराबाद से परली वाया बीदर तक कुल 267.77 किलोमीटर रेलवे लाइन को दोहरीकरण। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने बताया कि जिले के लोगों के लिए ये एक और अच्छी खबर है। उक्त रेलवे डबल लाइन निर्माण के सर्वेक्षण कार्य हेतु 5,36,00,000 रुपए रखे गए हैं। जल्द ही टेंडर बुलाया जाएगा, सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। अगर डबल लाइन बन जाएगी तो हमारे जिले के लोगों को काफी मदद मिलेगी। डबल लाइन न होने के कारण हमारी ट्रेनें विकाराबाद में रुकती हैं, इसलिए बीदर जाने वाली ट्रेनें कभी कभी लेट हो जाती हैं। डबल लाइन बनने के कारण हमारी ट्रेनें कहीं नहीं रुकेगी और ट्रेनें समय पर बीदर पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने इस दोहरी लाइन के लिए सर्वेक्षण करने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। यशवंतपुर बीदर ट्रेन को समय पर बीदर लाने के उद्देश्य से बीदर कलबुर्गी के बीच 2 डेमो ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया। ट्रेन संख्या 07761 बीदर से कलबुर्गी के लिए सुबह 7:30 बजे के बजाय सुबह 6:45 पर रवाना होगी, 9:30 बजे पहुंचेगी। और ट्रेन नंबर 07748 ये बीदर से 4:40 के बजाय 5:30 बजे रवाना होगी और रात 8:20 पर कलबुर्गी पहुंचेगी।
ट्रेन नंबर 07745 BE ये सुबह 7:30 बजे के बजाय 6:45 पर कलबुर्गी से रवाना हुई और 9:30 बजे बीदर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 07764 शनिवार ये 4:40 के बजाय सुबह 5:30 बजे कलबुर्गी से रवाना होगी और 8:05 बजे बीदर पहुंचेगी। इस बार का बदलाव यशवंतपुर बीदर और अन्य हाई स्पीड ट्रेनों को समय पर बीदर पहुंचाने के इरादे से किया गया है। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा ने लोगों से समय बदलाव का फायदा उठाने की अपील की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त है। इससे पहले पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक स्पष्ट कदम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी DK शिवकुमार जिले के साथ मैराथन बैठकें करेंगे। आज से शुरू होने वाले 3 दिनों तक चलेगी आज की बैठकें तुमकुरू, यादगीर, चित्रदुर्ग, बागलकोट, बल्लारी और धारवाड़ के विधायकों के साथ निर्धारित की गई है। शिवकुमार ने कहा कि हमें उन्हें तथ्य बताने और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करने की जरूरत है। दोनों नेताओं ने रविवार को बेंगलुरु स्थित पार्टी कार्यालय में अल्पसंख्यक विधायकों और नेताओं से भी मुलाकात की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार को केंद्र सरकार द्वारा व्यवसायियों के लिए ऋण माफ करने के संबंध में अपने आरोप को साबित करने की चुनौती दी है। अगर वे अपने आरोप साबित कर सके तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, यदि नहीं तो उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। उन्होंने जिले के अल्लावर में अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं और परियोजनाओं का विरोध करने में व्यस्त हैं और झूठे आरोप लगाने पर आमादा हैं। राज्य में अधिकांश पार्टी नेता स्थानांतरण व्यवसाय में शामिल हैं और उनके पास दूसरों पर आरोप लगाने की कोई नैतिकता नहीं है। हम भाजपा सरकार संविधान और कानून के अनुसार काम कर रहे हैं और ऐसे सभी डिफाल्टर्स को वापस लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमने इस संबंध में कुछ सफलता भी हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर JDS नेता HD कुमारस्वामी की आलोचना की। कांग्रेस सरकार की सत्ता में आने के बाद से कुमारस्वामी की नींद और शांति नष्ट हो गई है। ये स्पष्ट है कि वो निराशा में हैं और उन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ निराधार और झूठे आरोप लगाने को अपना पूर्णकालिक व्यवसाय बना लिया है। ठीक है, मान लीजिए कि उनके पास आरोप लगाने के लिए हैं, लेकिन उन्हें इसे साबित करना चाहिए। गुंडूराव ने कहा कि सिर्फ हवा में गोलियां क्यों चलाएं। गुंडूराव ने ट्वीट किया, HD कुमारस्वामी एक अवसर पर एक पेनड्राइव दिखाते हैं और दूसरे अवसर पर हमारी सरकार के खिलाफ अपने आरोप लगाने में मदद करने के लिए एक CD दिखाते हैं। यदि उनके पास वास्तव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य हैं, तो उन्हें इसे जारी करना चाहिए। हम में से किसी ने भी कुमारस्वामी के हाथों पर लगाम नहीं लगाई है। अगर कुमारस्वामी बार बार भेड़िया भेड़िया कहानी के नायक की तरह व्यवहार करेंगे तो कौन डरेगा। उन्होंने आगे कहा कि ये कोई रहस्य नहीं है कि कुमारस्वामी ने चुनाव से पहले किंगमेकर बनने का सपना देखा था, लेकिन जनता के जनादेश ने उनके किंगमेकर बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। HD के जिसका सपना टूट गया, एक रूठे हुए प्रेमी की तरह हो गए हैं, इसलिए वो हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। विराजपेट के विधायक AS पोन्नाना ने कहा कि अधिवक्ता संरक्षण विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ चर्चा के बाद इसे अगले विधान सत्र में पेश किया जाएगा। वो मड़ीकेरी में बार एसोसिएशन द्वारा उन्हें और मड़ीकेरी विधायक डॉ मंथर गौड़ा को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। पोन्नाना ने कहा कि राज्य बार काउंसिल ने विधेयक को लागू करने के लिए दबाव डाला है। उन्होंने वकील के काम को सम्मानजनक बताते हुए कहा कि अदालतों का सम्मान बनाए रखना वकीलों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि उन्होंने CM के कानूनी सलाहकार के पद के लिए पैरवी नहीं की थी, लेकिन एक वकील के रूप में अर्जित सम्मान के कारण उन्हें ये पद मिला। मड़ीकेरी विधायक डॉ मंथर गौड़ा ने शहर में नए अदालत परिसर में समस्याओं को हल करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान वकील असहमति की आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482127। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होते ही वो एक्टिव मोड में आ गए हैं। वो मंगलवार 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। कल करीब 12 बजे वो लोकसभा में बोलेंगे। बता दें कि मोदी उपनाम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस के राहुल गांधी को वायनाड सांसद के रूप में बहाल कर दिया है। 4 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिससे केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया था। संसद की सदस्यता मिलते ही राहुल गांधी संसद भी गए। राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात के सूरत में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। दरअसल 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी। संसद सदस्य के रूप में राहुल गांधी मंगलवार से संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। लोकसभा सचिवालय के इस फैसले के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया है। इस बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की ओर से की गई है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बिल पर अपनी बात रखी है। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है, अब राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली सेवा बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है, इसका मकसद खौफ पैदा करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सुपर सीएम की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सेवा बिल असंवैधानिक है। दिल्ली सेवा विधेयक समूह एक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश की जगह लेगा। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस बिल के विरोध में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों से समर्थन जुटाया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में मीडिया में चाइनीज फंडिंग का मुद्दा उठाया। सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि देश में चीन के पैसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक में चीन से पैसा आया। इस संबंध में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि चीन न्यूज क्लिक को फंडिंग करता है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़े शब्दों में कांग्रेस और सहयोगी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। न्यूज क्लिक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान आया। उन्होंने न्यूज क्लिक पर कांग्रेस और विपक्ष की भूमिका पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीन के प्रति प्यार दिखता था और भारत के प्रति दुष्प्रचार का एजेंडा था।
अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की ओर निशाना साधते हुए कहा कि एंटी इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे, इनके यहां चीन के प्रति सम्मान है। जब मैं न्यूज क्लिक के प्रति बात करता हूं इसकी फंडिंग की, तब भारत में इसके खिलाफ छापे पड़े, उसमें कहां कहां से पैसा लिया, कहां से पैसे आए, इन सबकी जानकारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो नेवल राय सिंघम ने इसकी फंडिंग की, फंडिंग उसे चीन की ओर से आई, इसमें नेवल राय का संबंध चीन के साथ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सोमवार सुबह आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। एम्स से जुड़े सूत्रों ने अभी ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि आग कैसे लगी। इसी बीच बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, हालांकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। एम्स के सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि आग एंडोस्कोपी रूम में लगी थी। आग की वजह से एम्स की इमारत में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इमारत के एक निश्चित रूम से धू धू कर निकलते धुएं ने अस्पताल प्रशासन को सख्ते में डाल दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो फिल्म का डायलॉग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, थप्पड़ देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है, हम ही देते आए हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है वो परिवारवाद की बात करते हैं, पूरी बीजेपी खड़ी हो गई है, लेकिन उद्धव बाल ठाकरे को खत्म नहीं कर पाई। हमारा हिंदुत्व चोटी वाला नहीं है, घंटा बजाने वाला नहीं है, 9 साल हो गए हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता उनके राज्य में हिंदुओं को जनाक्रोश मोर्चा निकालना पड़ रहा है, हिंदू खतरे में है। उद्धव ने कहा कि संभाजी ब्रिगेड से हमने हाथ इसलिए मिलाया है क्योंकि आप आंखें खोल कर आए हैं, मुझे देवेंद्र फडणवीस पर तरस आता है, कितना बोझा ढोएंगे, पहले एक बोझा फिर दूसरा बोझा, गोविंदा का मानव पिरामिड बनाना पड़ेगा लग रहा है, आयाराम की कतार लग गई है, राम मंदिर बनाओ लेकिन लग रहा है आपको आयाराम का मंदिर बनाना पड़ेगा। उद्धव ने कहा कि इंडिया की बैठक मुंबई में होने वाली है, भारत माता को फिर गुलाम नहीं बनने देंगे। मोदी इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं, जब बाइडेन को आप गले लगाते हो तब हमें अभिमान होता है, आपको कहा जाता है पीएम ऑफ इंडिया, मतलब आप पीएम ऑफ इंडियन मुजाहिदीन हैं क्या, हम बिच्छू हैं, जहां दुश्मन दिखता है वहां डंक मारते हैं। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए।
एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। उत्तरी अफ्रीकी देश में ट्यूनिशिया से जहाज के डूबने की खबर आई है। जानकारी के अनुसार ट्यूनिशिया के केरकेना द्वीप पर एक प्रवासी जहाज डूब गया। इस हादसे में 4 प्रवासियों की जान चली गई, वहीं 51 यात्री लापता हो गए। इस हादसे के संबंध में एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जहाज पर सभी प्रवासी उपसहारा अफ्रीका से थे। ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले इसी साल मार्च के महीने में भी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। उत्तरी अफ्रीका देशों में इस साल काफी प्रवासन हो रहा है। अपनी जान जोखिम में डालकर लोग नावों के सहारे यात्रा कर रहे हैं। यही कारण है कि नौकाओं की लगातार डूबने की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसी घटनाओं के संबंध में ट्यूनिशिया के गृहमंत्री ने जुलाई में कहा था कि ट्यूनिशिया तटरक्षक ने साल 1 जनवरी से 20 जुलाई तक अपने तट से डूबे हुए प्रवासियों के 901 शव बरामद किए हैं, जो देश के तटों से पीड़ितों की हैरान करने वाली संख्या को दर्शाता है। ट्यूनिशिया और यूरोपीय संघ EU ने पिछले महीने यानी 16 जुलाई को एक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें खासतौर पर उत्तरी अफ्रीकी देश से यूरोप के लिए प्रस्थान करने वाली नौकाओं में तेजी से बढ़ोतरी के कारण मानव तस्करों का मुकाबला करना और सीमाओं को सख्त करना शामिल था। सऊदी अरब के जिद्दा में 40 देशों के सुरक्षा सलाहकार एकत्रित हुए। इसमें भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ने भी वकालत की। अजीत डोभाल के नेतृत्व में यूक्रेन पर एक शांति फार्मूला तैयार किया गया। डोभाल ने इस बैठक के माध्यम से संदेश पूरी दुनिया को दिया कि यूक्रेन में शांति जरूरी है, लेकिन रूस को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। अजीत डोभाल ने सुझाव दिया कि यूक्रेन के लिए जो भी मसौदा बने उसमें रूस का होना जरूरी है। डोभाल का ये बयान साफ इशारा करता है कि भारत के लिए दोस्त रूस आज भी अहम है। यूक्रेन में शांति का भारत हिमायती है, लेकिन रूस आज भी उतना ही सच्चा दोस्त है जितना जंग से पहले था। डोभाल ने यह स्पष्ट किया कि यूक्रेन में शांति के लिए ऐसा समाधान हो जिसमें रूस की भी सहमति हो। किसी भी शांति समझौते के लिए रूस को भी शामिल किया जाना चाहिए। डोभाल ने कहा कि वर्तमान में कई शांति प्रस्ताव सामने रखे गए हैं। हर प्रस्ताव में कोई न कोई सकारात्मक बात है, लेकिन दोनों पक्ष कोई भी शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। क्या कोई ऐसा समाधान तलाशा जा सकता है जो सभी को मंजूर हो? रूस इस मीटिंग में शामिल नहीं था, मगर यूक्रेन ने अपना 10 पॉइंट वाला शांति फार्मूला पेश किया। अब इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि कितने देशों ने इस फार्मूले का समर्थन किया। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल के साथ शेयर की रोमांटिक तस्वीर, प्यार में डूबे नजर आए कपल। अब समाचार खेल जगत से है। भारत बनाम पाकिस्तान मैच की तारीख बदलने से बाबर आजम को लगा तगड़ा झटका। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, महंगाई भत्ते में होने जा रही बढ़ोतरी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अन्ना भाऊ साठे की 103वीं जयंती, संविधान जागरूकता प्रतिभा पुरस्कार और उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया गया। हमनाबाद के विधायक सिद्धू पाटिल ने हमनाबाद से चितगुप्पा सहित अन्य ग्रामों के लिए एक नई बस के संचालन को अनुमति दी। सिद्धरामैया और डिप्टी CM शिव कुमार 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस विधायकों के साथ 3 दिवसीय मैराथन बैठक शुरू करेंगे। कांग्रेस आरोप साबित कर दे तो संन्यास ले लूंगा, प्रहलाद जोशी का दावा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने पूछा है कि HD कुमार स्वामी हवा में तीर क्यों चलाए। संसद सदस्यता बहाल होते ही एक्टिव हुए राहुल गांधी, कल लोकसभा में बोलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया दिल्ली सेवा बिल, विधेयक पर चर्चा शुरू। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए KP News 24/7 के साथ। धन्यवाद।